इंसान के रूप में शैतान हर कदम पर छुपे हैं, इनसे सावधान होना बेहद जरूरी है। आज आपको हम बताएंगे 7 वर्ष के उस बेगुनाह मासूम की कहानी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, सुनकर आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि 7 वर्ष के मासूम को इंसानी शैतानों ने क्यों मौत के घाट उतार दिया और इस पूरे वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। दरअसल यह पूरा वाक्य यूपी के संत कबीर नगर जिले का है, जहां एक महिला ने हम उम्र में अपने पति को खो दिया और अब कातिलों ने उसके दिल के कलेजे के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। दरअसल मोहल्ले के ही युवक मृतक मासूम की विधवा माँ पर बुरी नीयत रखता था, अपनी चाहत में सफल न होने पर चक्रव्यूह रच डाला। मंडुआ मरे बाबू मारा रे रो धमकी दे मारा रे तना गाड़ी बैठ बे तब से नहीं बतिया बे तो का मारा रे हमार दीदी बड़ा मजबूर ला लिया कहे कि हमरे देश के हमार काल लाई कर तब तोरे बहन के उठवा दे तोरे लड़कन के उठवा दे हमरे दीदी रो धमकी दे हमने 7 बजे ड्यूटी कर के आए रोज राय में परेशान करे अरे कहे के उसका बे तुम तोरे तीन लड़कन के तोरे बहन के उठवा दे दीदी हमार का हम ना मार का तो का नहीं मार तो का मार के का कर तेरे लड़कन के तेरे बहन ये कर दीदी हमार का मार बहन ये किया जी आती है। बच्चे का शव कोसों दूर मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और माँ का कलेजा छलनी छलनी हो रहा था। परिवार के लोगों ने 4 मार्च को कोतवाली पुलिस में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई और 6 मार्च को मोहली पुलिस ने हरिहरपुर पुल के पास से मासूम अरुण गुप्ता का शव नग्न अवस्था में पैर रस्सी से बंधा हुआ मिला। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर शक जाहिर करते हुए तहरीर दी। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि दरिंदे मामले में संलिप्त है, जिसमें रविचंद्र उर्फ मिंटू धनेश्वर उर्फ झींगे लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। हमारे जनपद के थाना मोहली में कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक 7 वर्षीय बच्चे का शव है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था। उसमें गहनता से छानबीन करने पे यह ज्ञात हुआ कि इस संबंध में एक अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत है बच्चे के गायब होने का। इस संबंध में जब तेज़ी से विवेचना की गई मामले की गंभीरता को देखते हुए, तो कुछ ही घंटों के भीतर हमारे दोनों मुख्य अभियुक्त रविचंद्र और मंटू, साथ में धनेश्वर, जो इसी मृतक बच्चे के गाँव के ही मटियाना गाँव के ही रहने वाले हैं, उसके बारे में विवेचना में सारे तथ्य निकल के आए हैं। इन दोनों के द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया था और बाद में उसकी हत्या की गई थी और हत्या करके शव को छुपाने का प्रयास किया गया। सर, रीजन क्या रहा कि कारण हत्या? जो अभी तक की विवेचना में निकल कर आया है कि जो मुख्य अभियुक्त रविचंद्र उर्फ मंटू है, वो मृतक बच्चे की माता प्रमिला देवी, उनके प्रति कोई शुभ होकर उनके प्रति कोई भावना रखता था और उनको सबक सिखाने के क्रम में उसने इस प्रकार की कार्रवाई की। जो बेगुनाह मासूम के नहीं हो सके, वह आप और हम अपने परिवार के क्या होंगे। ऐसे में हम सबको सजग और सचेत रहने की जरूरत है। संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट।